नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जनवरी की 19 तारीख है और मेरे कई भाई बहनों ने कहा था कि कॉस्मोस केयर पे वीडियो बनाया जाए, तो वैसे मैंने इस पे खूब सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। जब इसे मैंने ग्रो करना सिखाया था, ये देख रहे हैं कितने प्यारे फूल हैं, तो इसे ग्रो करना सिखाया था तो मंजू नेचर लवर चैनल पे वीडियो नंबर 279 डाला था, तो मैं उसका वीडियो लिंक भी दे दूँगी, पूरी केयर भी बता दूँगी। तो मैं क्या करती हूँ कि कोई ख़ास, जैसे इनके लिए ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं बनाती हूँ। हाँ, जब मेरे गार्डन में बाकी फ्लावर्स के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बनते हैं तो इनमें भी डाल देती हूँ। जैसे कि कोई लस्सी वगैरह घर में बनती है तो वो हो गया, पनीर का पानी हो गया, या फिर कभी छिलके वगैरह भिगोए होते हैं वो सब होता है, तो बाकी प्लांट्स को देते हैं तो इनमें भी देते हैं। तो ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए कई भाई बहन जो बोलते हैं कि हमारे फूल आते नहीं हैं, तो इन्हें ज़्यादा फूल आने के लिए इन्हें पूरा दिन की सनलाइट में आपने रखना है, तो ये खूब खिलते हैं। तो यहाँ पे जिस जगह मैंने ये रखा हुआ है तो पूरा शाम तक धूप आती है, अब शाम ही हो रही है और ये धीरे धीरे धूप अब ख़त्म हो रही है, तो इसको मैंने इस तरह से रखा है। और बाकी सूखी खाद वगैरह जैसे बाद में मैं नहीं डालती हूँ, तो हवा चल रही है इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया है, झूल रहा है ये काफ़ी। सूखी खाद जैसे कि गोबर की खाद हुआ, या फिर वर्मी कंपोस्ट, या फिर और कोई खाद हुई, तो वैसे बाद में नहीं देती हूँ। जो मेरी मिट्टी बनी होती है प्लांट्स लगाने के टाइम लगाती हूँ, तो उसी में लगाती हूँ। तो ये डायरेक्टली जो ग्रो किए हुए हैं, ट्रांसप्लांट भी किए हुए हैं, तो वही मिट्टी बनी हुई है। और बहुत ज़्यादा अगर खाद देते हैं तो फिर जो पत्तों की ग्रोथ खूब हो जाती है, प्लांट की ग्रोथ खूब हो जाती है और फूल आने में फिर ये लेट हो जाते हैं। तो ये मैंने जो एक बैग में आपके सामने ही ग्रो किए थे, पॉली बैग में, तो ये वही मेरे फूल हो रहे हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत, इतने दिनों से, बहुत दिनों से ये खिल रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो अभी ये झूल रहे हैं तो काफ़ी सारे झड़ गए हैं तो वीडियो बना लेते हैं। और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए क्या करना है, अब ये जो फूल जो ये ख़त्म हो रहे हैं इनको आपने हटा देना है, इनको हटाते रहना है और फिर ज़्यादा फूल आते हैं। अगर आप सीड बनाना चाहते हैं तो फिर इन्हें रहने दीजिए। तो मैंने, अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में लंबे टाइम तक इसके जो फ्लावर्स बने रहें, तो आप कुछ कुछ टाइम के बाद इन्हें ग्रो करके लगा सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। अब कुछ एक पौधे जो मेरे छोटे छोटे हैं उन पे अभी कोई फूल नहीं आए हैं, या कुछ पौधों को मैं ऐसा भी ट्रिक करती हूँ कि थोड़ी लेट, मतलब बाद में थोड़ा सा वो गैप देके उन्हें ट्रांसप्लांट करती हूँ, तो चाहे एक टाइम में लगाए हों तो उनमें भी अच्छे जो है फूल आ जाते हैं और बाद में आते हैं, जैसे एक ख़त्म हो जाते हैं बहुत टाइम से खिल रहे हों। तो इस तरह से बस यही सब केयर है। बाकी वीडियो नंबर 279 मैं आपको लिंक दे दूंगी। तो ये जो पिंक और वाइट है ये मेरे यहाँ विंटर में ही खिलते हैं, और जो येलो वाले हैं वो पूरा साल भर खिलते हैं। तो ये जो पिंक वाइट रेड मैरून ये हुए, ये उन जगहों में यहाँ मौसम एक जैसा रहता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंड, वहाँ पर ये पूरा साल भर जो है ये ग्रो हो सकते हैं। तो मेरा ये कि मेरे गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसलिए ये नहीं होते हैं। तो ये देखिए वही ब्लैक वाला बैग जो आपके सामने लगाए थे, तो सीड मेरे को लग रहा था खो ही गए हैं, पिछली बारी चिड़ियों ने नहीं छोड़े, तो वो ये वाइट वाला भी निकलना शुरू हो गया है और ये पिंक वाले तो निकल ही रहे हैं। तो इस तरह से ठीक से शाम हो गई है, ठीक से आ नहीं रहे हैं फूल, फिर मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस छोटे से बैग में मैंने कितने सारे जो है पौधे लगा रखे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में भी मैंने देखा कि एक आधा प्लांट लगाओ तो बहुत ज़्यादा खुराक मिलती है पौधे को, तो बहुत पौधा जो हाइट उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं इसलिए थोड़े इकट्ठे इकट्ठे लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने कई बार इनको अकेला अकेला भी अगर किसी पॉट में बड़े में लगाया ना, तो बहुत लंबी हाइट के ये बढ़ गए और लेट फूल आए। तो अगर मैं थोड़ा इकट्ठे लगाती हूँ तो बैग में, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो कंपटीशन होगा, खुराक भी कम मिलेगी, तो इस तरह से खूब फूल आते हैं।
एक प्लांट नहीं है, कुछ एक प्लांट्स हैं ये। ये मेरे गार्डन में कई दिनों से जो है ये क्लार्किया भी खिल रहा है, माउंटेन गार्लैंड भी इसे बोला जाता है। और ये प्यारे से ज़ेवरिना हॉलीहॉक तो बहुत लंबे टाइम से ये खिल रहे हैं, तो अब इन पे सीड्स बनना भी स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए, ये बहुत दिनों से, बहुत लंबे टाइम से ये खिल रहे हैं ये मेरे गार्डन में। ये मेरे गार्डन में बहुत दिनों से ये स्वीट सुल्तान भी खिल रहे हैं। तो ये देखिए, ये भी बहुत अच्छे बढ़िया प्यारे लगते हैं। तो मेरे किसी भाई बहन ने कहा था कि होली हॉक भी दिखाएं, तो ये होली हॉक भी, ये देखिए जो पहले पहले ट्रांसप्लांट कर दिए हैं वो खिल रहे हैं, और जो घने घने हैं और वो उन पे बर्ड्स वगैरह आ रही हैं। एक बार फिर इन प्यारे प्यारे फ्लावर्स पे नज़र मार लेते हैं, कितने खूबसूरत और इतने बड़े बड़े साइज़ के ये फूल हैं, बहुत ही सुंदर।